समझिए, भूखे के मुंह से लुकमा निकालना है, जुनू के पंजे से मुझको सहरा निकालना है। लोग कहते हैं कि पारस की सिफत है तुझ में, मुंतजर हूँ मैं कभी हाथ लगा दे मुझको। मेरा बदन किसी तितली से कम नहीं जहरा, तो मरना जाती अगर उसके हाथ आती। ये बात तुझसे बिछड़ कर समझ में आई माँ, जमीन पे रब का दिया सबसे कीमती क्या है। किसी के इश्क में हद से गुजर के देखते हैं, बहुत जिए हैं चलो आज मर के देखते हैं। मूर्ख के सामने ना कभी कीजे ज्ञान की बात, पता नहीं कब बोल दे मूर्ख शाम को आधी रात। तो मैं वो एक मतलब एक शेर अपने तारुफ में पेश कर देता हूँ। मियाँ वो दिन गए अब ये हिमाकत कौन करता है, मियाँ वो दिन गए अब ये हिमाकत कौन करता है, वो क्या कहते हैं उसको, हाँ मोहब्बत कौन करता है, कोई गम से परेशान है कोई जन्नत का तालिब है, कोई गम से परेशान है कोई जन्नत का तालिब है, गरज सजदे कराती है इबादत। गम से परेशान है कोई जन्नत का तालिब है, गरज सजदे कराती है इबादत करता है। ये फास्ता के हौसले जब से उकाबी हो गए, जाने क्यों तेवर हवा के इनकलाबी हो गए। हाँ वो तुमने एक दवा बतलाई थी गम के लिए, वो तो जूका तू रहा पर हम शराबी हो गए। सुने साहब, ये एक जमीन थी उमर नजमी की, पाकिस्तान के हमारे दोस्त हैं, बड़ी अच्छी गजल थी उनकी, एक दो शेर तो बहुत ही अच्छे थे, तो तबीयत मायल हुई तो मैंने उस पर कहा। अर्ज करता हूं कि समझिए भूखे के मुंह से लुकमा निकालना है। अब मैं आपको वो शेर सुना रहा हूँ जो मुशायरों में, समझिए भूखे के मुंह से लुकमा निकालना है, जुनू के पंजे से मुझको सहरा निकालना है, जुनू के पंजे से मुझको सहरा निकालना है। मैं एड़ियों को रगड़ रहा हूं, मैं हूं ना पागल, एड़ियों को रगड़ रहा हूं। वो एक शेर है बड़ा मशहूर, किसका है वो, के वतन के खाक मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी पानी से निकले। ये बेवकूफी का शेर है, मैं बचपन में जब मैं स्टूडेंट था तब भी मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता था और आज भी नहीं करता, जब मैं शायर भी नहीं था। वो एक मौजजा था, वो एक मौजजा था। आप कितनी कोशिश कर ले आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, वतन की खाक पर एड़ियां रगड़े पानी कोई निकल जाएगा। शेर ये है कि मैं एड़ियों को रगड़ रहा हूँ, मैं हूं ना पागल, मुझे ये जिद है यहीं से चश्मा निकालना है। मेड़ियों को रगड़ रहा हूं ना पागल, मुझे ये जिद है यहीं से चश्मा निकालना है। शेर सुने, तुम्हारी बातों में एक मेरी गरज है शामिल, तुम्हारी बातों में एक मेरी गरज है शामिल, इसी तखातुब से मुझको मिसरा निकालना है। तुम्हारी बातों में एक मेरी गरज है शामिल, इसी तखातुब से मुझको मिसरा निकालना है। अभी तुम्हारे कर्म गिनाए हैं उंगलियों पर, अभी तुम्हारे सितम का पर्चा निकालना है। अभी तुम्हारे कर्म गिनाए हैं उंगलियों पर, अभी तुम्हारे कर्म गिनाए हैं उंगलियों पर, अभी तुम्हारे सितम का पर्चा निकालना है। मेरे बिना तुम किसी सहारे तो जी रहे हो, मेरे बिना तुम किसी सहारे तो जी रहे हो, मुझे भी जीने का कोई जरिया निकालना है, मुझे भी जीने का कोई जरिया निकालना है, मुझे भी जीने का कोई जरिया निकालना है। और बस अब मेरे हाथ कोई आए कि मैं ही आऊं, बस अब मेरे हाथ कोई आए कि मैं ही आऊं, मुझे किसी पर कहीं तो गुस्सा निकालना है। बस अब मेरे हाथ कोई आए कि मैं ही आऊं, मुझे किसी पर कहीं तो गुस्सा निकालना है। बहुत शुक्रिया।
अर्थ करता हूँ कि अना का बोझ कभी जिस्म से उतार के देख। अना का बोझ कभी जिस्म से उतार के देख, मुझे जबां से नहीं रूह से पुकार के देख, मुझे जबां से नहीं रूह से पुकार के देख, मेरी जमीन पे चल तेज तेज कदमों से। मेरी जमीन पे चल तेज तेज कदमों से, फिर उसके बाद तू जलवे मेरे गुबार के देख। मेरी जमीन पे चल तेज तेज कदमों से, फिर उसके बाद तू जलवे मेरे गुबार के देख। ये अश्क दिल पे गिरे तो बहुत चमकता है, ये अश्क दिल पे गिरे तो बहुत चमकता है, कभी ये आईना तेजाब से निखार के देख। अना का बोझ कभी जिस्म से उतार के देख, क्या के देख, मुझे जबां से नहीं रूह से पुकार के देख। वो इसे भाई 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 यश्क दिल पे गिरे तो ये मेरी जमीन पे चल तेज तेज कदम, फिर उसके बाद तू जलवे मेरे गुबार के देख। न पूछ भाई, शेर सुन रहा यार, जैसे मैं शेर कह रहा हूँ, न पूछ मुझसे तेरे कुर्ब का नशा क्या है, न पूछ मुझसे तेरे कुर्ब का नशा क्या है, तू अपनी आंख में डोरे मेरे खुमार के देख। न पूछ मुझसे तेरे कुर्ब का नशा क्या है, तू अपनी आंख में डोरे मेरे खुमार के देख। ये अश्क दिल पे गिरे तो बहुत चमकता है, कभी ये आईना तेजाब से निखार के देख। ये अश्क दिल पे गिरे तो बहुत चमकता है, कभी ये आईना तेजाब से निखार के देख। और ये देखे मतला थोड़ा शौक है लेकिन अच्छा है कि उसमें बचपन तो नहीं फिर भी जवानी कम है, वो टेक्निकल था, उसमें बचपन तो नहीं फिर भी जवानी कम, जवानी कम है, वो के मासूम ज्यादा है सियानी कम है। क्या कहने का मतलब है, उसमें बचपन तो नहीं फिर भी जवानी कम है, वो के मासूम ज्यादा है सियानी कम है। आपके आपके वसल में सामाने तायुश के सबब, आपके वसल में सामाने तायुश के सबब, शाम रंगीन ज्यादा है सुहानी कम है। आपके वसल में सामाने तायुश के सबब, शाम रंगीन ज्यादा है सुहानी कम है, शाम रंगीन ज्यादा है। अब ये एक गजल है साहब, बड़ी टेक्निक से मैंने कही है, इसके सारे शेर एक ही टेक्निक पे हैं। ये देखें आप किसी काबिल हो तो, कभी पढ़ी नहीं, कि इश्क वो ढोंग नहीं है जो रचाया जाए, इश्क वो ढोंग नहीं है जो रचाया जाए, दिल कोई शहर नहीं फिर से बसाया जाए। हिजर कुछ ऐश नहीं, हिजर कुछ खाक नहीं थी जो उड़ाई मैंने, हिजर कुछ खाक नहीं थी जो उड़ाई मैंने, वसल बारिश तो नहीं है कि नहाया जाए। आए आए आए, कुछ खाक नहीं थी जो लाई, वसल बारिश तो नहीं है कि नहाया जाए, तशनगी मुश्क नहीं थी जो ना छुप सकती थी, तशनगी मुश्क नहीं थी जो ना छुप सकती थी, मैं कशी जुर्म नहीं है कि छुपाया जाए, मुश्क नहीं थी जो ना छुप सकती थी, मैं कशी जुर्म नहीं है कि छुपाया जाए, इश्क उनवान नहीं है कि बदल दूं इसको, इश्क उनवान नहीं है कि बदल दूं इसको, तू फसाना तो नहीं है कि भुलाया जाए, इश्क उनवान नहीं है कि बदल दूं इसको, तू फसाना तो नहीं है कि भुलाया जाए, जिंदगी ख्वाब की ताबीर नहीं थी लेकिन, जिंदगी ख्वाब की ताबीर नहीं थी लेकिन, मौत भी नींद नहीं है कि जगाया जाए, जिंदगी ख्वाब की ताबीर नहीं थी लेकिन, मौत भी नींद नहीं है कि जगाया जाए, गम कोई जिक्र नहीं है जो करे हम सबसे, गम कोई जिक्र नहीं है नहीं है जो करे हम सबसे, दर्द वो शेर नहीं सबको सुनाया जाए, दर्द वो शेर नहीं, गम कोई जिक्र नहीं है जो करें हम सबसे, दर्द वो शेर नहीं सबको सुनाया जाए। और आखिर में सुन ले कि मेरे गुरूर का नशा अगर उतार सके, मेरे गुरूर का नशा अगर उतार सके, मेरे गुरूर का नशा अगर उतार सके,
है कोई जीतने वाला जो मुझसे हार सके, मेरे गुरूर का नशा अगर उतार सके, क्या है कोई जीतने वाला जो मुझसे हार सके, तेरा विशाल उसी के लिए रहे मखसूस जो एक उम्र तेरे हिज्र में गुजार सके। तेरा विशाल उसी के लिए रहे, क्या बात, अरे वाह वाह वाह, विशाल उसी के लिए रहे, वाह 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 वाह, जो एक उम्र तेरे हिज्र में गुजार सके। मैं इसलिए भी तखल्लुस को आम करता हूँ, मैं इसलिए भी तखल्लुस को आम करता हूँ, बस एक तू ही मुझे नाम से पुकार सके। मैं इसलिए भी तखल्लुस को आम करता हूँ, बस एक तू ही मुझे नाम से पुकार सके। मुझे एक ऐसे बदन की अशद जरूरत है, मुझे एक ऐसे बदन की अशद जरूरत, मुझे एक ऐसे बदन की अशद जरूरत है जो मेरी रूह से उसका बदन उतार सके। मुझे एक ऐसे बदन, विजय भाई, मुझे एक ऐसे बदन की अशद जरूरत है जो मेरी रूह से उसका बदन उतार सके। इतना मजबूर न कर बात बनाने लग जाए, इतना मजबूर न कर बात बनाने लग जाए, हम तेरे सर की कसम झूठी खाने लग जाए। इतना मजबूर न कर बात बनाने लग जाए, हम तेरे सर की कसम झूठी खाने लग जाए। इतने सन्नाटे पिए मेरी समात ने के अब, इतने सन्नाटे पिए मेरी समात ने, इतने सन्नाटे पिए मेरी समात ने के अब, सिर्फ आवाज पे चाहूं तो निशाने लग जाए। इतने सन्नाटे पिए मेरी समात सन्नाटे पिए, सिर्फ आवाज पे चाहूं तो निशाने लग जाए, और निशाने लग जाए। और तो है वो कि मैं अगर अपनी जवानी के सुना दूं किस्से, मैं अगर अपनी जवानी के सुना दूं किस्से, ये जो लौंडे हैं मेरे पांव दबाने, शराब दौड़ रही है रगों में, खून नहीं, शराब दौड़ रही है, बिल्कुल सच्चा शेर, एक फितरी शेर जी, शराब दौड़ रही है रगों में, खून नहीं, खून नहीं, मेरी निगाह में अब कोई अफलातून नहीं, दौड़ रही है रगों में, खून नहीं, मेरी निगाह में अब कोई अफलातून नहीं। शेर देखें, ये भी बड़े सच्चा शेर है जी, कसम खुदा की बड़े तजुर्बे से कहता हूँ, कसम खुदा की बड़े, कसम खुदा की, कसम भी खा रहा हूँ, कसम खुदा की बड़े तजुर्बे से कहता हूँ, गुनाह करने में लज्जत तो है सुकून नहीं। कसम खुदा की बड़े तजुर्बे से कहता हूँ, ये गुनाह करने में लज्जत तो है सुकून है। कभी किसी का सहारा नहीं लिया मैंने, अभी जो मैं कह रहा था, कोई उस्ताद नहीं, कोई मेंटर नहीं, कोई गॉडफादर नहीं, कभी किसी का सहारा नहीं, कभी किसी का सहारा नहीं लिया मैंने, मैं आसमान हूँ मेरा कोई सुतून नहीं। बहुत अच्छा है, किसी का सहारा नहीं लिया, मैं आसमान हूँ मेरा कोई सुतून नहीं, आसमान से मुराद मेरी बुलंदी नहीं है, मतलब कोई सपोर्ट नहीं, आसमान ही एक ऐसी बिना पिलर के खड़ा हूँ जी, तो यहाँ मेरी मुराद अपनी बुलंदी से नहीं, बल्कि ये कि मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, मैं खुद खड़ा हूँ, कभी किसी का सहारा नहीं लिया मैंने, मैं आसमान हूँ मेरा कोई सुतून नहीं। थोड़ा सा बदजबान हूँ मैं इत्तेफाक से, थोड़ा सा बदजबान हूँ, बाकी में मेरी बहुत ऑब्वियस शायरी है, अब लोगों को बुरी भी लग जाती है, थोड़ा सा बदजबान हूँ मैं इत्तेफाक से, अब क्या करूं पठान हूं मैं इत्तेफाक से, थोड़ा सा बदजबान हूं मैं इत्तेफाक से, अब क्या करूं पठान हूं मैं इत्तेफाक से, इजहार इश्क तुमने जरा देर से किया, इजहार इश्क तुमने जरा देर से किया, अब तो किसी की जान हूं मैं इत्तेफाक से, वाह वाह, इजहार इश्क तुमने जरा देर से किया, अब तो किसी की जान हूं मैं इत्तेफाक से। एक और रासा की जमीन है, उसके अंदर एक मतलब इसी तरह का है जी, कि हमारी तरह वो नस्ली पठान थोड़ी है, हाँ, ये
हमारी तरह वो नस्ली पठान थोड़ी है, जरा दबंग है, चंगेज खान थोड़ी है। हमारी तरह वो नस्ली पठान थोड़ी है, जरा दबंग है, चंगेज खान थोड़ी है। तुम्हारे कहने में अब देखूं कौन आता है, अब देखूं कौन आता है। मैं बेवकूफ था, सारा जान थोड़ी है। कहने में अब देखूं कौन आता है, ये बड़ा हालात पे और इस वक्त पे बड़ा मौजूद शेर है। मेरा वो शेर आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, एजिटेशन में बड़ा काम आ रहा है कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें, बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दो। ये दिल्ली में प्रोटेस्ट जो लोग कर रहे हैं, लोग लगतियों में वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम। अब इस मकान पे हाथों के आबले देखें, पहाड़ काट लिया है चट्टान छोड़ दें हम। अब इस मकान पे हाथों के आबले देखें, पहाड़ काट लिया है चट्टान छोड़ दें हम। वो पहले पहल का बोसा तो उड़ गया होगा, कहो तो फिर कोई ताजा निशान। कहाँ की कैद अनासिर, अब ये शेर कभी नहीं पढ़ा जाता। कहाँ की कैद अनासिर, जरा इशारा करो। कहाँ की कैद अनासिर, जरा इशारा करो, तुम्हारे हुक्म से पहले जहान छोड़ दें। कहाँ की कैद अनासिर, जरा इशारा करो, क्या तुम्हारे हुक्म से पहले जहान छोड़। मतलब देखिएगा कि तुम्हारे हुस्न के दरिया को पार करते हुए, तुम्हारे हुस्न के दरिया को पार करते हुए मैं गर्क हो गया लहरें शुमार करते हुए। तुम्हारे हुस्न के दरिया को पार करते हुए मैं गर्क हो गया लहरें शुमार करते हुए, तो मुझको सीने से अपने लगा लिया होता, तो मुझको सीने से अपने लगा लिया होता धड़कते दिल का कभी एतबार करते हुए। तो मुझको सीने से अपने लगा लिया होता, धड़कते दिल का कभी एतबार करते हुए। और कुछ असल में होता ये है कि मशायरों में इंतखाब कुछ और होता है, और वो जो सेट बना हुआ होता है ज्यादातर वो वही होता है, बहुत कम ऐसा होता है कि एक मतलब एक दो शेर और सुनाते हैं। ये शेर मुशायरों में भी पढ़ता हूँ वैसे। देखिएगा कि मतलब है कि अपनी मिट्टी पे बसत शान छिड़क देते हैं, अपनी मिट्टी पे बसत शान छिड़क देते हैं, खून क्या चीज है हम जान छिड़क देते हैं। अपनी मिट्टी पे बसत शान छिड़क देते हैं, खून क्या चीज है हम जान छिड़क देते हैं। ये शेर देखिएगा मशहर भाई के, तुम अगर छत हो तो बुनियाद का पत्थर हम है। तुम अगर छत हो तो बुनियाद का पत्थर हम है, इस इमारत पे चलो जान छिड़क देते हैं। तुम अगर छत हो तो बुनियाद का पत्थर हम है, इस इमारत पे चलो जान छिड़क देते हैं। बतौर खास ये शेर आपने पहली बार सुनेंगे, अब जो मैं सुना रहा हूँ उसके लिए मैंने ये मतलब एक शेर सुनाया, इस इमारत पे चलो जान छिड़क देते हैं। जब भी आते हैं जियारत को तेरे हुस्न की हम, जब भी आते हैं जियारत को तेरे हुस्न की हम, आतिशे इश्क पे लोबान छिड़क देते हैं। जब भी आते हैं आतिशे इश्क पे लोबान छिड़क देते, जब भी आते हैं जियारत को तेरे हुस्न की हम, आतिशे इश्क पे लोबान छिड़क देते हैं, आतिशे इश्क पे लोबान छिड़क देते हैं। मैं खतावार अगर हूं तो सजा दे मुझको, मैं खतावार अगर हूं तो सजा दे मुझको, फैसला जो मेरे हक में है सुना दे मुझको, फैसला जो मेरे हक में है सुना दे मुझको। मैं अगर मील का पत्थर हूं मुझे ध्यान में रख, मैं अगर मील का पत्थर हूं मुझे ध्यान में रख हूँ तेरी राह का पत्थर तो हटा दे। क्या अच्छा पत्थर हूँ मुझे ध्यान में रख, मैं अगर मील का पत्थर हूँ मुझे ध्यान में रख, हूँ तेरी राह का पत्थर तो हटा दे मुझको। लोग कहते हैं कि पारस की सिफत है, लोग कहते हैं कि पारस
लोग कहते हैं कि पारस की सिफत है तुझ में, मुंतजर हूँ मैं कभी हाथ लगा दे उसको। लोग कहते हैं कि पारस की सिफत है तुझ में, मुंतजर हूँ मैं कभी हाथ लगा दे उसको। कुछ शेर और देखिएगा, जो ये कहते हैं कि हम जहां से गुजर जाएंगे, जो ये कहते हैं कि हम जहां से, जो ये कहते हैं कि हम जहां से गुजर जाएंगे, हिजर का नाम ही सुन लेंगे तो डर जाएंगे। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। जो ये कहते हैं कि हम जहां से गुजर जाएंगे, हिजर का नाम ही सुन लेंगे तो डर जाएंगे, हिजर का नाम ही सुन लेंगे तो डर जाएंगे। ये नया शेर निकाला देने की कोशिश है, हिजर का नाम ही सुन लेंगे तो डर जाएंगे, ये जो हालात के पंछी हैं तुम्हारे सर पे, ये जो हालात के पंछी हैं तुम्हारे सर पे, चंद लम्हों को ये ठहरे के गुजर जाएंगे। हालात के पंछी, ये जो हालात के पंछी हैं तुम्हारे सर पे, चंद लम्हों को ये ठहरेंगे गुजर जाएंगे, चंद लम्हों को ये ठहरेंगे गुजर जाएंगे। तो शेर देखिएगा कि कल तलक शेर हमारे न समझ आए तो, कभी कभी ऐसा होता है ना, आप पढ़ रहे होते हैं पीछे शायर दांत नहीं जोड़ता, लेकिन अगर आप पीछे देख लेते तो अरे भाई क्या बात है, क्या चीज है। कल तलक शेर हमारे न समझ आए तुम्हें, अब अगर इतना सराहोगे तो मर जाएंगे। कल तलक शेर हमारे न समझ आए, अब अगर इतना सराहोगे तो मर जाएंगे। कुछ शेर और सुनाता हूँ, देखिए कि नया मैं कुछ नए नए उसमें प्रयोग करता हूँ शायरी में। मतलब देखिएगा कि आप जब भी करीब आते हैं, आप जब भी करीब आते हैं पांव धड़कन के लड़खड़ाते हैं। आप जब भी करीब आते हैं पांव धड़कन के लड़खड़ाते हैं, तुझसे मिलने की हूक उठती है, तुझसे मिलने की हूक उठती है हम परिंदों सा फड़फड़ाते हैं। तुझसे मिलने की हूक उठती है, हम परिंदों सा फड़फड़ाते हैं, वो दिए हैं निशान मंजिल के। वो दिए हैं निशान मंजिल के, अब चलो रास्ता उगाते हैं। वो दिए हैं निशान मंजिल के अरे सलामत, अब चलो रास्ता उगाते हैं। कोई साये पे पांव रखता है, हम कदम जब नया उठाते हैं। दिल तो बिकते नहीं दुकानों में, लोग कैसे खरीद लाते हैं। इसी कबीर में एक पतला शेर और देखिएगा कि आतिशे गम से ऊन निकलेगा जब दिसंबर में जून निकलेगा। क्या बात है, आतिशे गम से ऊन निकलेगा जब दिसंबर में जून निकलेगा। मुझसे एक साथ में मशर भाई कहा कि यार वो इतने साल हो गए तुम शायरी करते हो, कोई किताब लेके आओ। मैंने उनसे कहा यार वो बिल्कुल मुझे पसंद नहीं कि किताब आ जाए और उसके बाद में एक एक को लिख लिख के वो किताब देता रहूं। मैं ये चाहता हूँ कि किताब आए तो चार दिन बाद पब्लिशर फिर फोन लगाए मुझे कि साहब 10,000 का एक लॉट और निकालना है। अगर ऐसा हो पाया मेरी शायरी में तो किताब छपेगी, वरना नहीं छपेगी। आतिशे गम से ऊन निकलेगा जब दिसंबर में जून निकलेगा, दर्द अपना जो लिख दिया मैंने, दर्द अपना जो लिख दिया मैंने तो किताबों से खून निकलेगा। एक पतले शेर और देखिएगा कि मतलब है कि खुद को गम में डुबो दिया है क्या, जो मिला था वो खो दिया है क्या, खुद को गम में डुबो दिया है क्या, जो मिला था वो खो दिया है क्या। इन गुलाबों से खून रिश्ता है, दर्द मिट्टी में बो दिया है क्या। बहुत अच्छा। इन गुलाबों से खून रिश्ता है, दर्द मिट्टी में बो दिया है क्या,
आखिर में एक बदल और कहिएगा, बदल दो बदल शेर। मतलब कि सबने सोचा था ये अंजाम से पहले पहले, सबने सोचा था ये अंजाम से पहले पहले, हम पलट आएंगे बस शाम से पहले पहले। सबने सोचा था ये अंजाम से पहले पहले, हम पलट आएंगे बस शाम से पहले पहले। वक्त मरहम की तरह काम तो करता है, वक्त मरहम की तरह काम तो करता है, मगर क्या जलन होती है आराम से पहले पहले। वक्त मरहम की तरह काम तो करता है, मगर क्या जलन होती है आराम से पहले पहले, क्या जलन होती है आराम से पहले पहले। मक्ते का शेर इसमें, क्या पता रात को हम कौन से आलम में रहे, क्या पता रात को हम कौन से आलम में रहे, हमको मिल जाया करो शाम से पहले पहले। क्या पता रात को हम कौन से आलम में रहे, क्या पता रात को हम कौन से आलम में रहे, हमको मिल जाया करो शाम से पहले पहले। हर प्यार एक कदर का मतलब एक दो शेर पेश करता हूँ। मतलब देखिएगा कि जा ही लगते हैं परिंदे के जहाँ पानी है, जा ही लगते हैं परिंदे के जहाँ पानी है, जा ही लगते हैं परिंदे के जहाँ पानी है, प्यास से कौन ये कहता है कहाँ पानी है। जा ही लगते हैं परिंदे के जहाँ पानी है, प्यास से कौन ये कहता है कहाँ पानी है, दर्द बढ़ता है तो आंखों से निकल पड़ता है, दर्द बढ़ता है दर्द बढ़ता है तो आंखों से निकल पड़ता है, मेरे जज्बात की खामोश जुबां पानी है। दर्द बढ़ता है तो आंखों से निकल पड़ता है, मेरे जज्बात की खामोश जुबां पानी है। तशनगी लेके बहुत दूर न चल पाओगे, तशनगी लेके बहुत दूर न चल पाओगे, मेरी आंखों में उतर जाओ यहाँ पानी है। लेके बहुत दूर न चल पाओगे, मेरी आंखों में उतर जाओ यहाँ पानी, मेरी आंखों में उतर जाओ यहाँ पानी। आखिर में एक मतलब एक शेर और देखिएगा इसमें, मतलब के एक लफ्ज बहुत सुर्खियों में था पिछले साल दो साल पहले, आज है शुभ का खूब चला मीडिया में भी और तमाम जगह, तब का ये मतला है। तो देखिएगा कि मतला किस तरह से कहा है। ठहरे रहते हैं रवानी पे नहीं आते हैं, ठहरे रहते हैं रवानी पे नहीं आते हैं, हम कभी शोला बयानी पे नहीं आते हैं। ठहरे रहते हैं रवानी पे नहीं आते हैं, हम कभी शोला बयानी पे नहीं आते हैं। ये जज्बाती शेर है, देखिएगा कि हम कभी शोला बयानी पे नहीं आते हैं, सिर्फ कुछ देर को बह जाता है पानी में गुबार, सिर्फ कुछ देर को बह जाता है पानी में गुबार, जख्म के नक्श भी पानी पे नहीं आते हैं। सिर्फ कुछ देर को बह जाता है पानी में गुबार, जख्म के नक्श भी पानी पे नहीं आते हैं, जख्म के नक्श भी पानी पे नहीं आते हैं। शेर देखिएगा कि शहद के छत्तों की तामीर नहीं हो सकती, शहद के छत्तों की तामीर नहीं हो, शहद के छत्तों की, शहद के छत्तों की तामीर नहीं हो सकती, जब तलक फूल जवानी पे नहीं आते हैं। शहद के छत्तों की तामीर नहीं हो सकती, शहद के छत्तों की तामीर नहीं हो सकती, जब तलक फूल जवानी पे नहीं आ रहा, जब तलक फूल जवानी हो। मेरी तकदीर के लिखे लतीफे कितने सारे हैं, मेरी जेबों में पत्थर हैं, मेरे माथे पे तारे। वाह वाह। कभी घर से नहीं निकले, कभी जंगों पे जंगे की, कभी घर से नहीं निकले, कभी जंगों पे जंगे की, कभी मच्छर नहीं मारा, कभी मैदान मारे। कभी घर से नहीं निकले, कभी जंगों पे खुश रहिए।
कभी मच्छर नहीं मारा, कभी मैदान मारा, जियो जियो। और मिशन में ये आती है, बहुत आसान था उनके लिए उस नहर पे कब्जा, बहुत आसान था उनके लिए उस नहर पे कब्जा, मगर वो लोग सच से जीतने की जिद में हारे हैं। चाल कुछ और भी चलनी है समझदारी से, ठीक सब होगा नहीं एक गिरफ्तारी से। एक तरह दुनिया ने दरियाफ्त किया है तुमको, ये जो सामान मिला है मेरी अलमारी से। दुनिया ने दरियाफ्त किया है तुमको, ये जो सामान मिला है मेरी अलमारी से, और बीच रस्ते में मुझे छोड़ के जाने वाले, बीच रस्ते में मुझे छोड़ के जाने वाले, मुझको नफरत है तेरे शहर की हर गाड़ी से। रस्ते में मुझे छोड़ के जाने वाले, मुझको नफरत है तेरे शहर की हर गाड़ी से। सलामत रहो, सलामत। हकीकतों को फसाना नहीं बनाती मैं, तुम्हारे ख्वाब से खुद को नहीं जगाती मैं। वो फाख्ता की अलामत अगर समझ जाता, तो उसके सामने तलवार क्यों उठाती मैं। खुदा का शुक्र के वो रास्ते से लौट गया, खुदा का शुक्र के वो रास्ते से लौट गया, अगर वो आता तो उसको कहाँ बिठाती मैं। शुक्र के वो रास्ते से लौट गए, अगर वो आता तो उसको। फिर एकदम मेरे पैरों में गिर गए कुछ लोग, करीब खा के कोई फैसला सुनाती मैं। जनाब वाकई मैंने कहीं नहीं जाना, जनाब वाकई मैंने कहीं नहीं जाना, वगरना आपकी गाड़ी में बैठ जाती। जनाब वाकई मैंने कहीं नहीं जाना, वगरना आपकी गाड़ी में बैठ जाती मैं, किसी ख्याल में हाथों से छूट जाते हैं। क्या शेर सुनाया, किसी ख्याल में हाथों से छूट जाते हैं, ये जान बूझ के बर्तन नहीं गिराते। किसी ख्याल में हाथों से छूट जाते हैं, ये जान बूझ के बर्तन नहीं गिराती मैं। वो दिल हो या मेरी गुड़िया की मौत हो जो हो, वो दिल हो या मेरी गुड़िया की मौत हो जो हो, कभी भी सोग में चूल्हा नहीं जलाती। मेरा बदन किसी तितली से कम नहीं जहरा, मेरा बदन किसी तितली से कम नहीं जहरा, तो मरना जाती अगर उसके हाथ आती। मेरा बदन किसी तितली से कम नहीं सहरा, तो मरना जाती अगर उसके हाथ आती। बहुत है, बहुत अच्छा। ये दिल की बात जमाने को भी बताऊं मैं, तू मेरा गीत बने तुझको गुनगुनाऊं मैं। सुना है सांप अंधेरे में अंधे होते हैं, सुना है सांप अंधेरे में अंधे होते हैं, जरूरी है कि यहाँ रोशनी बढ़ाऊं मैं। तुम्हारा बैग भी तैयार करके रखा है, तुम्हारा बैग भी तैयार करके रखा है, अकेली हिजर के आजार क्यों उठाऊं मैं। अरे वाह, अरे वाह, तुम्हारा बैग भी तैयार करके रखा है, अकेली हिजर के आजार क्यों उठाऊं मैं। चीज जो भूल कर गई हुई थी,
लौटने पर वहीं पड़ी हुई थी। बाप और भाइयों के होते हुए अपने पैरों पे खुद खड़ी हुई थी। सुरखुरु किस तरह न होते वो, साथ बच्चों के माँ लगी हुई थी। तेरी टेंशन में पीना भूल गई, चाय तो सामने रखी हुई थी। और ये गजल जो आप अभी बता रहे हैं, जब चाहो तकदीर पे गुस्सा हो जाओ, होते हो नाराज तो अच्छा हो जाओ। ठीक यहीं पर मेरी नजरें रुकती हैं, सामने वाले ताक का शीशा हो जाओ। रट्टा मार के एक दिन तुमको पढ़ लूंगी, कोई भी आसान पहाड़ा हो जाओ। और ये हालात जमी का नक्शा बदलेंगे, इन हालात का आंखों देखा हो जाओ। वरना ये आसानी मुश्किल कर देगी, ख्वाबों का पेचीदा रास्ता हो जाओ। अपनी मर्जी करके वापिस आऊंगी, तुम इतने में आग बगुला हो जाओ। बुराई क्या है अगर खाली हाथ आएगा, मगर वो बिछड़े हुओं की खबर तो लाएगा। निकाल लाया है रुमाल से कबूतर वो, हवा में ताश के पत्ते अभी उड़ाएगा। कल उसने पर्स से तस्वीर फेंक दी मेरी, अब अगली लड़की को वो जाल में फंसाएगा। ये शोर उसकी तबीयत के मातहत रहेगा, वो कम करेगा कभी वॉल्यूम बढ़ाएगा। ये शोर उसकी तबीयत के मातहत, वो कम करेगा कभी वॉल्यूम बढ़ाएगा। जब लग जाए जागने अंदर का शैतान, खुद को कंकर मार कर बन जाना इंसान। एक शेर और तन्हा, उर्दू में मुतफर एक अशार कहते हैं, मैं उसे आवारा शेर करता हूँ। किसी की याद में खोए तो इस कदर खोए, किसी की याद में खोए तो इस कदर खोए कि किसकी याद में खोए थे ये भी याद नहीं। किसी की याद में खोए तो इस कदर खोए कि किसकी याद में खोए थे ये भी याद नहीं। एक और आवारा शेर ये कि पहले अखबार लिख के बिकता था। नजर भाई आपकी निजामत के लिए शेर दे रहा हूँ, पहले अखबार लिख के बिकता था, आज अखबार बिक के लिखता है। पहले अखबार लिख के लिखता था, आज अखबार लिख के लिखता है। और चार मिसरे की जबान चलने लगी, लब कुशाई करने लगी, नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे। जबान चलने लगी, लब कुशाई करने लगे, नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे। हमारे कद के बराबर ना आ सके जो लोग,
हमारे पांव के नीचे खुदाई कर हमारे कद के बराबर ना आ सके हमारे पांव के नीचे खुदाई करने लगे जहाँ जहाँ शेर जाता है। ये लोग जो सुनने हमें आए हुए होंगे नौशन भाई श्रोताओं की नजर है सामीन की कि ये लोग जो सुनने हमें आए हुए होंगे ये भी तो कहीं दिल को लगाए हुए होंगे। शेर सुनाना चाहता हूँ भोपाल का कैप का शेर कैप का उसमें आपको शायद नजर आए कि अखबार में दो चांद निकलने की खबर है। दो चांद निकलने ये लोग जो सुनने हमें आए हुए होंगे ये भी तो कहीं दिल को लगाए हुए होंगे। अखबार में दो चांद निकलने की खबर है वो छत पे जरा देर को आए हुए होंगे। अखबार में दो चांद निकलने की खबर है वो छत पे जरा देर को आए हुए होंगे। यहाँ क्या पा रहा हूँ मैं यहाँ क्या खो रहा हूँ यहाँ क्या पा रहा हूँ मैं यहाँ क्या खो रहा हूँ मैं ये सब महशर में देखेंगे अभी तो सो रहा हूँ। बहुत अच्छा है वाह 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 यहाँ क्या पा रहा हूँ मैं यहाँ क्या खो रहा हूँ ये सब महशर में देखेंगे अभी तो सो रहा हूँ मैं। मुसलसल आह भरने में जरा एक सांस क्या ली मुसलसल आह भरने में जरा एक सांस क्या ले ली गमों ने कर दिया बारी गमों ने कर दिया रुसवा की बारी हो रहा हूँ। मुसलसल आह भरने में जरा एक सांस क्या ले गमों ने कर दिया रुसवा बाबी हो रहा हूँ मैं। अगर है मौत ही मंजिल तो जिंदगी क्या है अगर है मौत ही मंजिल तो जिंदगी क्या है। अगर मिस्टर सानी देखिएगा कि अगर है मौत ही मंजिल तो जिंदगी क्या है ये रोज सांसों की इतनी उठा धरी क्या है। वाह 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 अगर है मौत ही मंजिल तो जिंदगी क्या है ये रोज सांसों की इतनी उठा धरी क्या है। और फौजिया साहब ये शेर आपके लिए जिनके तसव्वुर में आप रहती हैं कि ये बात तुझसे बिछड़कर समझ में आई माँ ये बात तुझसे बिछड़कर समझ में आई माँ जमीन पे रब का दिया सबसे कीमती क्या है। क्या बात है तुझसे समझ कर मेरी गजलों में दिल्ली अक्सर आता है ये शेर उधर वो शख्स कहता है अव्वल हूँ मैं ही दुनिया में वो शख्स कहता है अव्वल हूँ मैं ही दुनिया में उसे बताओ कि एहसास कमतरी क्या है। अच्छा वो शख्स कहता है जिक्र हो ही गया अव्वल हूँ मैं ही दुनिया में उसे बताओ कि एहसास कमतरी क्या है। फिर आखिर ये कि चलो ये माना बिछड़ने का गम नहीं लेकिन चलो ये माना बिछड़ने का गम नहीं लेकिन तुम्हारी आंख से टपका है जो अभी क्या चलो ये माना बिछड़ने का गम नहीं तुम्हारी आंख से टपका है जो अभी क्या मगता ये कि विजय ने इतना कहा और खुदकुशी कर विजय ने इतना कहा और खुदकुशी कि तेरे बगैर जो गुजरे वो जिंदगी क्या है। वाह 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 वो सब कहता है अव्वल हूँ मैं ही दुनिया में उसे बताओ कि एहसास कमतरी जब तक ये शोहरतें ये बुलंदी मिली न थी अपनी कभी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी जब तक ये शोहरतें ये बुलंदी मिली नहीं थी अपनी कभी किसी से कोई दुश्मनी न थी तुर्बत पे आके रोए कई लोग तो लगा हिंदी वाले भाइयों के लिए कि जो है शमशान जो है उसको बोलते हैं जहाँ जलाया जाता है तुर्बत पे आके रोए कई लोग तो लगा दुनिया बुरी तो थी मगर इतनी बुरी बुरी
तुर्बत पे आके रोए कई लोग तो लगा, दुनिया बुरी तो थी मगर इतनी बुरी न थी। मशर भाई ये शेर की सच बोल कर मरा है वो झूठों के दरमियां, सच बोल कर मरा है वो झूठों के दरमियां, और आप कह रहे हैं कि ये खुदकुशी न थी। सच बोल कर मरा है वो झूठों के दरमियां, और आप कह रहे हैं कि ये खुदकुशी नशी है। इतने फासले पे विजय जिंदगी से मौत है, इतने फासले पे विजय जिंदगी से मौत, सीने में एक सांस अभी थी अभी न थी। है इतने फासले पे विजय जिंदगी से मौत, सीने में एक सांस अभी थी अभी न थी। जब कोई दिल को दुखाए मुस्कुराना चाहिए, जब कोई दिल को दुखाए, नए साल में यह कीजिए कि जब कोई दिल को दुखाए मुस्कुराना चाहिए, इस तमाशाई जहां से गम छुपाना चाहिए। क्या बात। अब जो शेर सुनाना चाहता हूँ कि जिंदगी तुझको मनाने में बुढ़ापा आ गया, जिंदगी तुझको मनाने में बुढ़ापा आ गया, सोचता हूँ अब मुझे भी रूठ जाना चाहिए। जिंदगी तुझको मनाने में बुढ़ापा आ गया, सोचता हूँ अब मुझे भी रूठ जाना चाहिए। जख्म देने को बहुत है एक ही लम्हा मगर, जख्म देने को बहुत है एक ही लम्हा मगर, जख्म भरने के लिए तो एक जमाना चाहिए। जख्म देने को बहुत है एक ही लम्हा मगर, जख्म भरने के लिए तो एक जमाना चाहिए। जिस शेर के लिए इतने शेर सुनाए कि यार दिल्ली चले, यार मैंने तो बहुत चाहा तुझे दिल में रखूं, यार मैंने तो बहुत चाहा तुझे दिल में रखूं, पर तुझे तो आस्ती में ही ठिकाना चाहिए। यार मैंने तो बहुत चाहा तुझे दिल में रखूं, पर तुझे तो आस्ती में ही ठिकाना चाहिए। वो गजल बिखर जाते हैं, संवर जाते हैं, आपके सामने आते ही निखर जाते, आपके सामने आते ही निखर जाते हैं, आपको देख के आईने सवर जाते हैं, आपके सामने आते ही निखर जाते हैं, आपको देख के आईने सवर जाते हैं। ये शरारत है सियासत है कि मजबूरी है, ये शरारत है सियासत है कि मजबूरी है, आप हर वादे पे हाँ कह के मुकर जाते हैं। ये शरारत है भाई, मुझे एंटरटेनमेंट भी करना है। शरारत है सियासत है कि मजबूरी है, आप हर बात पे हाँ कह के मुकर जाते हैं। और शेर ये कहता है कि प्यार दे देते हैं बच्चे तो बहुत जीते हैं, प्यार दे देते हैं बच्चे तो बहुत जीते हैं, वरना माँ बाप भी कम उम्र में मर जाता है। प्यार दे देते हैं बच्चे तो बहुत जीते हैं, वरना माँ बाप भी कम उम्र में मर जाते हैं। शेर के लिए उन्होंने कहा शेर आखिर ये कि ख्वाब होते हैं गरीबों के तवायब जैसे, ख्वाब होते हैं गरीबों के तवायफ जैसे, रात भर सस्ते हैं और सुबह बिखर जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ख्वाब होते हैं गरीबों के तवायफ जैसे, वाह 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 वाह, ख्वाब होते हैं गरीबों के तवायफ जैसे, क्या कहने विजय भाई, रात भर सस्ते हैं और सुबह बिखर जाते हैं। मकता ये कि रात मैं खाने में साकी से विजय ने पूछा, रात मैं खाने में साकी से विजय ने पूछा, जिनका कोई नहीं होता वो किधर जाता, जिनका कोई नहीं होता। एक गजल इन्हें बहुत पसंद है, दुनिया की खाक अपने बदन पर लिए हुए,
दुनिया की खाक, दुनिया की खाक अपने वजन पर लिए हुए, खाना बदोश फिरते हैं लश्कर लिए हुए। बताइए क्या खूबसूरत मसला है। वाह 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 वाह। दुनिया की खाक अपने बदन पर लिए खाना बदोश फिरते हैं लश्कर। वाह वाह। अब शेर सुनेगा। वाइज उपदेशक, वाइज न बिक सकेंगे तेरे आईने यहाँ, वाइज न बिक सकेंगे तेरे आईने यहाँ, फिरते हैं लोग हाथों में पत्थर। फिर सुनिएगा खास तौर से, तौबा के बाद वो भी मयसर नहीं है, तौबा के बाद वो भी मयसर नहीं हमें, चलते थे दाएं बाएं जो सागर लिए, तौबा के बाद वो भी मयसर नहीं हमें, चलते थे दाएं बाएं जो सागर लिए हुए, दो अश्क में ही तुमने फसाने बना लिए, दो अश्क में ही तुमने फसाने बना लिए, हम चुप हैं आंसुओं के समंदर। तो शेर आखिर बतौर खास कि अपनी अना से पहले जमीनों में झांकी है, अपनी अना से पहले, अपनी अना से पहले जमीनों में झांकी है, सोई है जाने कितने सिकंदर लिए, पहले जमीनों में झांकी, सोई है जाने कितने सिकंदर। उसको काला गुलाब लिख दूं क्या, चल होश उड़ाते हुए गुजरती हो, होश उड़ाते हुए गुजरती हो, चलती फिरती शराब लिख दूं क्या, होश उड़ाते हुए गुजरती हो, चलती फिरती शराब लिख दूं क्या, किस कदर सुर्ख है खपा चेहरा, किस कदर सुर्ख है खपा चेहरा, चांद को आफ्ताब लिख दूं क्या, किस कदर सुर्ख है खपा चेहरा, बहुत अच्छा, चांद को आफ्ताब लिख दूं क्या, उसने शर्मा के हट कहा मुझको, उसने शर्मा के हट कहा मुझको, आशिकी कामयाब लिख दूं क्या, उसने शर्मा के हट कहा मुझको, आशिकी कामयाब लिख दूं क्या, सिलसिले का आखिरी शेर की मुद्दतों बाद हाल पूछा है, मुद्दतों बाद हाल पूछा है, मुद्दतों बाद हाल पूछा है, हाले दिल पर किताब लिख दूं। अब एक नज्म के दो बंद, खेल खिलौने लेगा बाबू, खेल खिलौने लेगा बाबू, मुन्ना दिल बहला लेगा, तेरा मुन्ना खेलेगा तो मेरा मुन्ना खा लेगा, तेरा मुन्ना खेलेगा तो मेरा मुन्ना खा लेगा, खेल खिलौने ले जा बाबू। बन सुनिएगा, ये टाटा है ये बिड़ला है, ये है मिस्टर अंबानी, सोना चांदी हीरे मोती करते इनकी निगरानी, ये है टाटा ये है बिड़ला, ये है मिस्टर अंबानी, सोना चांदी हीरे मोती करते इनकी निगरानी, मेरा पारस कंचे को ही, मेरा पारस कंचे को ही कोहिनूर बना लेगा, तेरा मुन्ना खेलेगा तो मेरा मुन्ना खा लेगा, तेरा मुन्ना खेलेगा तो मेरा मुन्ना खा लेगा। ये बन सुनिएगा,
ये जापानी गुड़िया ले लो, साथ में दौलत मेवा भी, लेकिन सास ससुर शोहर से करवा लेगी सेवा। ये जापानी गुड़िया ले लो, साथ में दौलत मेवा भी, लेकिन सास ससुर शोहर से करवा लेगी सेवा भी। मेरा गुड्डा काट के गुड़िया, मेरा गुड्डा काट के गुड़िया से ही ब्याह रचा लेगा, तेरा मुन्ना खेलेगा तो मेरा मुन्ना खा लेगा, तेरा मुन्ना खेलेगा। बतौरे खास ये वाला जो बना बोलना चाहता हूँ, ये डॉक्टर है, ये प्रोफेसर, ये IAS, ये IPS, इनकी कोचिंग पढ़ने में ही लग जाते हैं लाखों के। ये है डॉक्टर, ये प्रोफेसर, ये IAS, ये IPS, इनकी कोचिंग पढ़ने में ही लग जाते हैं लाखों के। मेरा अफसर ख्वाबों में ही, मेरा अफसर ख्वाबों में ही हर किरदार निभा लेगा, खेलेगा तो मेरा मुन्ना खा लेगा, तेरा मुन्ना खेलेगा तो मेरा मुन्ना खा लेगा। आखिरी बन रहा आपकी जहमत तमाम। उसका बेटा, बेटे ने बोल के रखा है खिलौने वाले से, कोई मुफलिस मिल जाए तो मुफ्त खिलौना दे देना, मायूसी है फुफुर ये मेरा, रब कहता है कह दे। मुफलिस मिल जाए तो मुफ्त खिलौना दे देना, मायूसी है फुफुर ये मेरा, रब कहता है कह देना। आज विजय रोजा रख लेगा, आज विजय रोजा रख लेगा, भूख भी समझा लेगा, तेरा मुन्ना खेलेगा मेरा मुन्ना खा लेगा। खेल खिलौने ले जा बाबू, मुन्ना दिल बहला लेगा, तेरा मुन्ना खेलेगा तो मेरा रोटी खाए। खुदा हाफिज कहे उसको जमाना हो गया लेकिन, खुदा हाफिज कहे उसको जमाना हो गया लेकिन, मेरे कानों से अब तक रेल की छुक छुक नहीं जाती। खुदा हाफिज कहे उसको जमाना हो गया लेकिन, मेरे कानों से अब तक रेल की छुक छुक नहीं जाती। और दो तीन मुतफरिक अशआर लिखेंगे, हमेशा याद आए जा रहे हो, हमेशा याद आए जा रहे हो, हमें नाहक सताए जा रहे हो, हमेशा याद आए जा रहे हो, हमें नाहक सताए जा रहे हो, नहीं मिलना है तो फिर साफ कह दो, बहाने क्यों बनाए जा रहे हो, नहीं मिलना है तो फिर साफ कह दो, बहाने क्यों बनाए जा रहे हो। और रिश्तों के हवाले से एक ख्याल देखिए अगर हुआ है कि किसी की चाह में हम इस कदर सरशार हो बैठे, किसी की चाह में, किसी की चाह में हम इस कदर सरशार हो बैठे कि अपने रास्ते की आप ही दीवार हो बैठे, किसी की चाह में हम इस कदर सरशार हो बैठे कि अपने रास्ते की आप ही दीवार हो बैठे, बहाने ढूंढता फिरता हो वो तरके ताल्लुक के, बहाने ढूंढता फिरता हो वो तरके ताल्लुक के, किसी को यूं भी मत चाहो कि वो बेजार हो बैठे, किसी को यूं भी मत चाहो कि वो बेजार हो बैठे,
किसी के इश्क में हद से गुजर के देखते हैं, बहुत जिए हैं चलो आज मर के, किसी के इश्क में हद से गुजर के देखते हैं, बहुत जिए हैं चलो आज मर के देखते हैं, पता लगाएं कि ये किस जगह से उठता है, पता लगाएं कि ये किस जगह से उठता है, हम आज दर्द की तह में उतर के देखते हैं, क्या बात है, पता लगाएं कि ये किस जगह से उठता है, हम आज दर्द की तह में उतर के देखते हैं, और जो खौफनाक अंधेरों को मात देते हैं, जो खौफनाक अंधेरों को मात देते हैं, वो लोग ही तो नजारे सहर के देखते हैं, जो खौफनाक अंधेरों को मात देते हैं, वो लोग ही तो नजारे सहर के देखते हैं, किसी के इश्क में हद से गुजर के देखते हैं, बहुत जिए हैं चलो आज मर के देखते हैं। और एक छोटी सी नज्म है मिशर साहब, मुंबई शहर, और इसकी इसका हौसल इसकी सारी जिंदगी का हौसल उस मतले के साथ कि क्या बताऊं मैं तुमको मेरा यार कैसा है, क्या बताऊं मैं तुमको मेरा यार कैसा है, चांद सा नहीं है वो, चांद उसके जैसा। नज्म देखें फौजे साहिबा, उसकी आंखों में नींद रखने को रोज दुनिया में रात आती है, उसकी आंखों में नींद रखने को रोज दुनिया में रात आती है, बंद पलकों को खोलने के लिए रोज बंठन के दिन निकलता है। और अच्छा, उसकी आंखों में नींद रखने को रोज दुनिया में रात आती है, बंद पलकों को खोलने के लिए रोज बंठन के दिन निकलता है, उसके होठों की सुर्ख रंगत भी रोज धुलकर शफक से आती है, और लाली गुदास गालों की रोज उड़कर उफक से आती है, पांव डाले वो झील में अपने, मछलियां जल में जलने लगती है, देखकर उसके जिस्म की रंगत तितलियां पर झटकने लगती है, वो चले जब तो ऐसा लगता है जिस्म को नूर मिल गया जैसे, बैठ जाए तो ऐसा लगता है टूट कर यज्ञ हो गए तारे, लेट जाए तो ऐसा लगता है संगे मरमर बिखर गए। मतलब देखें, खिलते हुए गुलाब ने शायर बना दिया, खिलते हुए गुलाब ने शायर बना दिया, खिलते हुए गुलाब ने शायर बना दिया, मुझको तेरे शबाब ने शायर बना दिया, खिलते हुए गुलाब ने शायर बना दिया, तकता हूँ रात भर से आके बाम पर, तकता हूँ रात भर से आके बाम पर, मुझको भी महताब ने शायर बना दिया, खिलते हुए गुलाब ने। और महेश्वर साहब इस गजल में से लिखे शेर जो मेरी पसंद का है, कि मुझको न रास आ सकी दुनिया की रौनकें, मुझको न रास आ सकी दुनिया की रौनकें, तन्हाई के अजाब ने शायर बना दिया, खिलते हुए गुलाब ने। और मक्ता हाजिर कर देता हूँ,
ना जाने क्या खुमार नजर उस नजर में था, ना जाने क्या खुमार नजर उस नजर में था, ना जाने क्या खुमार नजर उस नजर में था, नजरों की उस शराब ने शायर बना दिया। एक दो दुआ सुना था कि चंचल सच का है सखा, झूठ तनिक न सुहा। चंचल सच का है सखा, झूठ तनिक न सुखा सुहा, लेकिन झूठ ही आजकल ऊंचे दाम बिका है। कदम कदम पर मूर्तियां, जगह जगह पंडाल। कदम कदम पर मूर्तियां, जगह जगह पंडाल, धर्म के नाम पे आजकल केवल धूम धमाल। मूर्ख के सामने ना कभी कीजे ज्ञान की बात, मूर्ख के सामने ना कभी कीजे ज्ञान की बात, पता नहीं कब बोल दे मूर्ख शाम को आधी रात।